वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज केस नंबर 3, जिसमें आपको जैसे केस नंबर 1 में एक्सपोनेंशियल की ई की टर्म आती थी, या फिर साइन और कॉस का हाइपरबोलिक, इट वॉज कंसिडर्ड अंडर केस नंबर 1. अगर उसमें साइन और कॉस आता है सिर्फ विदाउट हाइपरबोलिक फंक्शन, एच नहीं है उसमें, मतलब हाइपरबोलिक नहीं है, तो फिर वो आता था सेकंड केस में. और ये थर्ड केस में ना आपको एक्सपोनेंशियल की टर्म दिखेगी ना साइन कॉस, ओनली एंड ओनली एक्स की टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे रह सकता है एक्स क्यूब, या सिर्फ एक्स स्क्वायर भी रह सकता है, एक्स क्यूब से स्टार्टिंग का इक्वेशन रह सकता है, एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग का इक्वेशन रह सकता है, सिर्फ एक्स भी रहा तो इट इज़ कंसिडर्ड अंडर केस नंबर 3. सो ओनली एक्स इज केस नंबर 3. नाउ जो आपको मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि सी एफ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सी एफ जो है वो कॉमन है सबका, तो जो आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको सी एफ उसको फाइंड करना है. उसके बाद में आता है पी आई. सो इस केस के पी आई के लिए, यानी कि थर्ड केस के पी आई के लिए, आपको दो सीरीज इंपॉर्टेंट वो ध्यान में रखनी है. एक है 1 माइनस एक्स इनवर्स और एक है 1 प्लस एक्स इनवर्स. एक में माइनस की साइन रहेगी, एक में प्लस की साइन रहेगी. तो इसका एक्सपांशन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी कि एक्स की पावर जो है वो इंक्रीजिंग रहेंगी. पहली टर्म 1 रहेगी, और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे माइनस रहा बीच में, तो बीच में आपकी प्लस साइन आती है, और अगर प्लस रहा तो आपकी अल्टरनेट सेम रहेगा, सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन रहेगी. तो फर्स्ट प्लस, दूसरा माइनस, सेकेंड प्लस, उसके बाद फिर से माइनस, लाइक दैट. तो ये दो सीरीज आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आपको प्लस प्लस लाना है बीच में, और जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे आपको माइनस प्लस अल्टरनेट. ये दो सीरीज इंपॉर्टेंट है केस नंबर 3 के लिए. नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम. सो जैसे हम लोग पी आई लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, तो 1 अपॉन ये डी स्क्वायर है, तो ये डी स्क्वायर, ये एक ही बार डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे डी लिखा जाता है. एंड हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे हमने अभी तक किया. अब इसमें कैसा है, आपको सीरीज अप्लाई करनी है, तो ऑब्वियसली पहली टर्म इट शुड बी 1 ऑलवेज. तो इसमें से ऐसा कुछ कॉमन निकालेंगे जिससे अंदर एक टर्म 1 बन जाएगी. सिंपल, जो ज़्यादा सिंपल होगा ऐसी टर्म आपको बाहर निकालनी है. सो आई विल टेक आउट डी फ्रॉम द ब्रैकेट एंड हियर इट विल बी डी प्लस 1. 1 आ गया हमारा, या फिर d प्लस 1 की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 1 प्लस d, क्योंकि पहली टर्म हमको सीरीज अप्लाई करने के लिए 1 चाहिए. अब 1 अपॉन d तो वैसे ही रहेगा, ये जो टर्म है ये हमको इनवर्स में चाहिए सीरीज लगाने के लिए, तो इसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर. सो बेसिकली इट बिकम्स इनवर्स. नाउ इसको करेंगे हम लोग उसी सीरीज के तरीके से एक्सपांड. सो ये हो जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, यस ऐसे वो हमारा एक्सपांड हो गया. और ये ब्रैकेट हमने एज इट इज़ रखी. अब ये जो है, जैसे डी मैंने बताया था प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें, कि 1 अपॉन डी इज़ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड अगर डी न्यूमरेटर में आता है तो इट इज़ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो दिस इम्प्लाइज कि डी यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर यानी यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी क्यूब यानी तीन बार डेरिवेटिव है. अब हमको यहाँ पे हाइएस्ट टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर, तो ये देख लेना है कि हाइएस्ट टर्म का अगर मैं तीन बार डेरिवेटिव करती हूँ, इसका पहला डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और दूसरा डेरिवेटिव हो जाएगा 2. आफ्टर दैट बींग अ कॉन्स्टेंट, जो थर्ड डेरिवेटिव है वो हमारा क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है. हम लोग डी की हाईएस्ट, डी की जो हायर पावर्स है वो उसको निगलेक्ट करते हैं, तो हम लोग सिर्फ डी स्क्वायर तक लिखेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर तक ही हमको कुछ यहाँ पे आंसर मिल रहा है. डी क्यूब के बाद वो हो जाएगा जीरो. इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के बाद 2x, उसके बाद में 2, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव भी पॉसिबल है. नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट, ये एक बार इस पूरी टर्म को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक बार डेरिवेटिव एक बार, और एक बार डेरिवेटिव दो बार. सो यहाँ पे हो जाएगा जैसे के वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस एक बार डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x का 2, देन प्लस
डी स्क्वायर, मतलब इस टर्म का, इस ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव, 2x का 2 एंड 2 का कांस्टेंट का 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट खत्म। नाउ अगर मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गई, माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2, अब यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, बचा x स्क्वायर प्लस 4। एंड एज आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट 1 अपॉन डी इज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इंटीग्रेटिंग दिस टू टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर निकलता तो दो बार इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी क्यूब निकलता तो तीन बार इंटीग्रेशन, सो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर PI फॉर केस नंबर 3। तो इस टाइप से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखना है और ऐसी टर्म हमको कॉमन निकालना है कि यहाँ पे डेरिवेटिव बने, ना कि इंटीग्रेशन, यहाँ पे डेरिवेटिव बने ऐसी टर्म हमको कॉमन निकालना है, यानी कि डी की टर्म आनी चाहिए, 1 अपॉन में डी या 1 अपॉन में डी स्क्वायर नहीं आना चाहिए। आफ्टर दैट हमको करके देखना है कि हाईएस्ट पॉसिबल, जो मतलब हाईएस्ट पावर जो रहेगी, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता, फिर 6x होता और फिर 6 होता, मतलब पॉसिबल डेरिवेटिव 3 रहते, इसलिए हम डी क्यूब तक लेते थे। अगर इसका उसके बाद में d रेज टू पावर 4 वो हम लोग नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो पॉसिबल दो बार था, इसलिए हमने d स्क्वायर तक, तो वी हैव टू निगलेक्ट द हायर पावर्स ऑफ डेरिवेटिव, देन आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट आंसर लाइक दिस। सो इसके बाद के और केसेस हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, सो वो देखते हैं, वहाँ पे मिलते हैं हम लोग। और अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कुछ डिफिकल्टी आती है तो मुझे व्हाट्सएप के मैसेज पे डिफ़िकल्टी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप डिफ़िकल्टीज़। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, एंड अपने फ्रेंड्स जो है, जो भी, या फिर रिलेटिव्स हैं जो मैथ्स के कोर्स कर रहे होंगे, उनको ज़रूर कहिए सब्सक्राइब करने। थैंक्स, टेक केयर।